हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज की जो हमारी पोएम है इसका नाम है ऑन शेक्सपियर, और ये जो पोएम है ऑन शेक्सपियर ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है और ये एक एपिटाफ है। एपिटाफ जैसे कि आप जानते हैं कि एक शॉर्ट लिरिकल वर्स है ये एपिटाफ जो होता है, जिसमें तीन चार लाइन में किसी के बारे में कुछ वर्णन किया जाता है। और एक छोटा सा उदाहरण एपिटाफ को समझने का बहुत आसान आपके लिए होगा कि शेक्सपियर की कब्र पर भी एपिटाफ अंकित था, क्योंकि एपिटाफ अधिकतर मृत्यु के पश्चात कब्र पर जो खुदे हुए शब्द होते हैं वो एपिटाफ के रूप में होते हैं। लेकिन ये जो पोएम है ऑन शेक्सपियर ये 16 लाइन्स का एक एपिटाफ है, लेकिन इसमें शेक्सपियर की मृत्यु का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि ये जो पोएम है इट इज़ रिटन इन द एप्रिसिएशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की एप्रिसिएशन में लिखी गई एक पोएम है जिसको 1630 में पब्लिश किया गया। तो ये पोएम जो है इसमें मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर का मतलब एप्रिसिएशन किया है, और एप्रिसिएशन क्या किया है वो ये कहते हैं कि शेक्सपियर को किसी भी मैन मेड पिरामिड्स या फिर मैन मेड मोन्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है उनकी प्रशंसा के लिए, क्योंकि उनके लिए तो उनके वर्क ही इतने हैं कि जो अपने आप में उनके लेजेंडरी एक पर्सनैलिटी को रिजेंबल करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑन शेक्सपियर है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ये 16 लाइन्स की एक पोएम है, एपिटाफ है, और ये जो एम्बिक पेंटामीटर में है और डिवाइडेड इनटू हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में डिवाइडेड है दोस्तों, एम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज़ किया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों, ये सबसे पहले ये लाइन्स आती हैं, व्हाट नीड माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्ड्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, ऑफ दैट इन हिज हेलोड रेलिक्वीज शुड बी हिड अंडर ए स्टार वाई पॉइंटेड पैरामिड। इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि शेक्सपियर को उनके बॉन्स को दफन करने के लिए किसी पिरामिड की आवश्यकता क्यों हो सकती है। सबसे पहली लाइन यही कहती है, वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्स, कि शेक्सपियर वो ये कहते हैं कि शेक्सपियर को दफन करने के लिए किसी भी मॉन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं हो सकती। द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन्स। उनका मानना है कि उनकी जो वर्क है, उनकी जो मेहनत है, और इवन वी कैन से द कलेक्टिव वर्क ऑफ जनरेशन, वो उनके लिए एक वाई पिरामिड शेप की तरह है, यू नो, एज इसमें बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, और दैट इज होलोज रेलिक्विज शुड बी हिड अंडर ए स्टार वाई पॉइंटेड पिरामिड्स। तो उनका जो अपना वर्क है, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनकी जो कमिंग जनरेशन है, तो वो सभी के सभी उनके लिए किसके इक्वल है, बिल्कुल वाई शेप पिरामिड के रूप में है वो। तो कुल मिलाकर शेक्सपियर को किसी भी मॉन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि ये जो 4 लाइन्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, अधिकतर यही पूछी जाती हैं, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वाला जो पैराग्राफ है और स्पेशली 2 लाइन्स ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ thy नेम। डियर सन ऑफ मेमोरी, यहाँ पर मिल्टन जो है शेक्सपियर को द सन ऑफ मेमोरी कहकर कॉल करते हैं, एयर ऑफ फेम कहकर कॉल करते हैं। सन ऑफ मेमोरी, यहाँ पर अगर जो हम रेफरेंस देखें तो अपोलो का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, और दूसरी बात क्योंकि मिल्टन के अंदर एक शेक्सपियर के अंदर एक इंटेलेक्चुअल लेवल था, शेक्सपियर अपने आप में एक बुद्धिमान एक व्यक्तित्व थे, तो इस वजह से मिल्टन शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी ऑफ ग्रेट एयर ऑफ फेम कहकर यहाँ पर पुकारते हैं। और क्या कहते हैं, वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ thy नेम, तुम्हें अपने नाम के लिए, ठीक है ना, एक इतनी छोटी सी विटनेस की क्या ज़रूरत हो सकती है कि तुम्हारे लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएं। मुझे नहीं लगता, मिल्टन कहते कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी पहचान की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा तो अपना ही खुद का जो वर्क है वही बड़ी पहचान है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ये लाइन्स आती हैं, दाओ इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैस्ट
बिल्ट दाई सेल्फ अ लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट्स। और वो ये कहते हैं कि जो लोग होते हैं उनको दफन करने के लिए मोन्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन बिल्ट दाई सेल्फ अ लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट, लेकिन तुमने तो जब तुम जीवित थे तभी अपना बहुत बड़ा एक मोन्यूमेंट बना दिया। अब दोस्तों ये मोन्यूमेंट क्या वास्तव में वैसा मोन्यूमेंट बना? एक्चुअल नहीं दोस्तों, यहाँ पर उनके लिटरेरी वर्क की बात हो रही है कि उनका जो लिटरेरी वर्क है वही उनका एक मोन्यूमेंट के रूप में है, वही उनके एक मोन्यूमेंट की तरह है। इसके बाद वो ये कहते हैं फॉर वाइलेस्ट द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट द इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हर्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाय अनवेल्व्ड बुक। वो साफ साफ ये कहते हैं कि शेक्सपियर कैसे थे। शेक्सपियर को हर कोई व्यक्ति रिमेंबर करता है उनके वर्क के लिए, उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए। दाउ ईच हर्ट हैथ फ्रॉम लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, और तुम्हारी जो बुक्स हैं, तुम्हारा जो वर्क है, उनसे हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति प्रभावित है। दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, और वो ये कहते हैं कि वो जो तुम्हारी यूनिक लाइन्स हैं तुम्हारे द्वारा लिखी गई, उससे एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, हर किसी के लिए वो एक इम्प्रेशन के समान है। देन दाउ आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ ब्रीविंग, और इसके साथ डोस्ट मेक अस मार्बल विद टू मच कंसीविंग, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जो फैंसी है, तुम्हारा जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, तुम्हारी जो इमेजिनेशन पार है, वो क्या बनाती है, वो अपने आप में कैसी है, वो अपने आप में विशाल है। ठीक ना, अपने आप में विशाल है, इट मीन्स इट इज़ डिफर टू अदर्स, दूसरों से हटकर है। ठीक है ना, दूसरों से हटकर है, और वो अपने आप में एक, जिसको कहते हैं कि एक मेजर रूप में वो दिखाई पड़ती है। एंड सो सेफिल्चर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाए दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई। और यहाँ पर मिल्टन ये कहते हैं शेक्सपियर की ग्रेटनेस को लेकर कि उनकी मृत्यु के बाद भी जबकि उनको दफना दिया गया है, लेकिन उनकी जो ग्लोरी है उसको मिटाया नहीं जा सकता, उनकी जो ग्लोरी है उसको मिटाया नहीं जा सकता, और उनका जो टॉम्ब है वो ऐसा ही है, इज इक्वल टू द किंग्स, ये उन्हीं राजाओं के बराबर है, ग्रेट किंग्स के बराबर है। सिमिलर टॉम्ब्स ग्रेट किंग्स आर रेडी टू डाई, तो उस प्रकार से उनका टॉम्ब है। तो ये लास्ट लाइन आप गौर करना, दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, जो राजा है ना, राजा भी ऐसे टॉम्ब के लिए वो चाहेंगे कि भाई हम मृत्यु को प्राप्त करें, मृत्यु हमें आए। तो कहने का मतलब शेक्सपियर ने तो ऐसा मोन्यूमेंट, ऐसा टॉम्ब अपने मृत्यु से पहले ही बना दिया था। और दोस्तों वो किस चीज़ से बनाया था, वो बनाया था उन्होंने अपनी जो उनकी एक आर्ट ऑफ राइटिंग थी उससे, अपने एक वर्क से, और अपने जो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग था उससे उन्होंने वो मॉन्यूमेंट बना दिया था। तो ये ग्रेटनेस जो है शेक्सपियर की, ये दिखाई पड़ती है हमें इनकी इस पोएम में, और जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, केवल और केवल इस पोएम से जो लाइन्स पूछी जाती हैं वो कौन सी पूछी जाती हैं, केवल ये दो लाइन्स आती हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीकनेस विटनेस ऑफ thy नेम। एग्जाम में आप कभी भी गौर कर लेना, केवल ये दो लाइन्स इस पोएम से पूछी जाती हैं। आई होप कि आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों पोएम अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ साथ कमेंट कर भी अपना रेस्पॉन्स दें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।